ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/12/2021। आज की मुरली में भी गिनती जो है वो सिर्फ 0, 1 और 2। आप लोग गिनती करो, 0, 1 कितनी बार आता और 2 कितनी बार आते, क्योंकि हमारा भी जो संबंध है वो 0, 1 और 2 तक ही है। आज बाप दादा ने कहा है कि बच्चे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। हम जानते हैं कि संगम युग पर बाबा हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ सब कुछ बना देता है, मास्टर नॉलेजफुल। लेकिन हाँ, एक बात बाबा कहते, दिव्य दृष्टि की जो चाबी है वो मैं तुम बच्चों को नहीं देता। क्यों नहीं देता, वो कारण भी हम जानते हैं। हमारे लिए ही बाबा वो चाबी अपने पास रखते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बाबा कहते, जब तुम भक्ति करते हो, साक्षात्कार की इच्छा रखते हो, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने मुझे ये दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखनी होती है, नहीं तो मैं फिर साक्षात्कार कैसे करूं। फिर दूसरी बात, आज बाबा जिस्मानी यात्रा, रूहानी यात्रा उसके विषय में बता रहे हैं, कैसे हम बच्चों की रूहानी यात्रा है। कहाँ भी चलना दौड़ना नहीं होता, कहाँ भी बैठकर हम ये यात्रा कर सकते हैं, और दोनों का अंतर वो भी बाबा बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो, ये भी टाइटल हमें याद रखना है। इस टाइटल को याद रखने से उसके पीछे बहुत सी बातें अपने आप याद आती है। रूहानी यात्री, यात्री माना चलने वाला, ठहरने वाला नहीं, यात्री माना उनको मंजिल का पता है, यात्री माना उसको अपने लक्ष्य का पता है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और यात्रा करते समय कैसे लोग पवित्रता को अपनाते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, व्यर्थ से, पाप से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये शब्द याद रखने से हमें और कई पुरुषार्थ की बातों में मदद मिलती है। इसीलिए ये शब्द याद रखना कि हम रूहानी यात्री हैं। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है, 21 जन्मों की प्राप्ति। वो यात्रा एक जन्म और वापस अपने घर आना, मृत्यु लोक में आना। हम जाएंगे अपने घर, फिर आएंगे स्वर्ग में, और वो भी 21 जन्मों की प्राप्ति। प्रश्न है, सत्युग में कौन सी चीज काम नहीं आती है? सत्युग में कौन सी चीज काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाबा के काम आती है? उत्तर है, दिव्य दृष्टि की चाबी। सत्युग में इस चाबी की दरकारी नहीं रहती, न भक्ति है, न साक्षात्कार के लिए संकल्प है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय यह चाबी बाबा के काम आती है। इसलिए
बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता। शिव बाबा का टाइटल है दिव्य दृष्टि दाता। भक्तों को बाबा साक्षात्कार कराते। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे देते, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। विश्व की बादशाही दे देते, चाबी अपने पास रखते। और इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये चाबी मत रखना। अब तो बाबा मिल गए, समझ मिल गई, आत्मा की अनुभूति हुई, परमात्मा की अनुभूति हुई। अभी साक्षात्कार की संकल्प इच्छा ही नहीं। गीतम सबने सुना, बहुत अच्छा गीत है ये। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। बस जीते जी मर गए, बाबा के हैं, बाबा की गोद में हैं। अब जो बाबा कहे, जैसा कहे, वैसे हमें करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहते स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन, स्पिरिचुअल फादर शिव बाबा, और हम हैं स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन। अब ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं को वहां शरीर तो है नहीं, इसलिए वहां कोई रू रिहान नहीं हो सकती। कहां? परम धाम, शांति धाम में। रूह से रू रिहान अर्थात वार्तालाप कब हो सकती है? जब दोनों को शरीर हो। एक को हो, एक को नहीं, वो भी नहीं चलेगा। अभी हम बाबा से रू रिहान कर रहे, बाबा हमसे कर रहे, कब कर सकते? हम आत्माएं अपने शरीर में और शिव बाबा ब्रह्मा के तन में, तब तो रू रिहान हो सकती है। आत्माओं को यहां अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाबा है उनको तो अपना शरीर है नहीं, वो तो निराकार है। बच्चे समझते हैं, शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं। जैसे बाप भी अशरीरी विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहां रहती हो। परम धाम में हमको भी शरीर नहीं, बाबा को भी शरीर नहीं। अब ये तो समझने की बात है। कहते भी नंगे आए नंगा जाना, यानी ये शरीर रूपी वस्त्र वहां नहीं होता। आत्मा जब शांति धाम में रहती है अशरीरी और शांति में रहती है, शरीरी नहीं, चुरपुर नहीं, कर्म नहीं, शांत रहती है। अब रूहानी बाप ये नॉलेज देते हैं, सारी दुनिया में रूहानी बाप कोई और नहीं है, एक शिव बाबा, और सभी है जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं कि मैं अशरीरी हूं, बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। बात करनी है, कहना है, कर्म करना है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। बल शास्त्रों में अक्षर है प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूं। कितना स्पष्ट सरल ढंग से बाबा ने किया। कोई नया भी अगर समझदार हो ना तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ सकते। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता। देखो कहां से कहां बाबा पहुंच गए, अब बाबा क्या बन गए? सर्जन। कौन सा? रूहानी।
क्योंकि याद योग सिखलाते हैं, उससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बनती। इसलिए बाबा सज्जन ने 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे, कोई रोगी नहीं होगा आधा कल्प। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बनते, वहां से शुरुआत होती है। तो बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते। कितना बड़ा सर्जन है। आज की दुनिया में कितना भी बड़ा सर्जन हो, एक जन्म के लिए भी सदा काल का निरोगी नहीं बना सकता, नो गारंटी। और बाबा देखो 21 जन्मों की गारंटी करते हैं। बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता। कितने टाइटल हो गए, रूहानी बाप। फिर बाबा कहते क्या बताया बाबा ने, बोलो सर्जन, अविनाशी सर्जन। अब बाबा कहते मैं हूं पंडा। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को कोई भी मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानता। इसको बोलो हम यात्रा कर रहे हैं, घर बैठे हैं तो उनको हंसी आएगी, समझेंगे नहीं। अच्छा ये कौन सिखलाता है? स्पिरिचुअल फादर। जिस्मानी यात्राएं मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए। कोई कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं करते, मना कई तो बरस बरस जाते हैं, कई बार जाके थे, कभी हरिद्वार गए, कभी काशी बनारस गए, कभी कहाँ गए, चारों धाम की भी एक एक दो दो बार करते हैं। वह कहेंगे जीवात्माओं की यात्रा, और हमारी है आत्माओं की यात्रा। वो शरीर सहित जाते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है, अंतमते सुगति हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा ये यात्रा सिखला रहे हो। गीता में मनमना भव अक्षर है, परंतु उनका अर्थ कोई नहीं समझता। हम लोगों ने भी भक्ति मार्ग में अगर गीता पढ़िए, शब्द आया मनमना भव, कभी अर्थ नहीं समझा। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है, सारा झाड़ जर्जड़ी भूत है। अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने, वापिस घर में कैसे जाए, वहां तो पवित्र आत्मा रहती है, कहां अपने घर में। अब यहां पतित है तो घर कैसे जाएगी? फिर यहां शरीर धारण करके वो रजो बनी तमो बनी। हर चीज की ना स्टेज होती है, गाते हैं ना दुनिया बदल रही है, इनको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एजड, और नई दुनिया को क्या कहेंगे गोल्ड एजड सत्युग। अब बच्चों की बुद्धि में ये होना चाहिए, जब सत्युग था देवी देवता धर्म था, अभी वो धर्म नहीं है। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये मुख्य मुख्य है 4 धर्म, देवता, फिर इस्लाम धर्म आया, बुद्ध आया, फिर क्रिश्चियन आया।
युगों पर भी समझाया जाता कि युग भी मुख्य चार हैं और ये ब्राह्मणों का जो संगम युग है वो गुप्त है, क्योंकि किसी को पता नहीं, चार युग सबको पता है। परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्म स्थापन करते बाबा। अब ये सब बातें ना बच्चों को याद रखनी है, भूलना नहीं है, पूरी नॉलेज याद रखनी है और फिर अपना बुद्धि योग बाबा के साथ रखना है। बाबा और चक्र मूल बात है, विकर्मा जीत बनना बरोबर। हम सतो प्रधान पवित्र थे, असल में 24 कैरेट सोना, सतयुग में 24 कैरेट सोना थे, फिर सतो में आ गए तो 24 के बाद कौन सा गोल्ड मिलता है, 22 कैरेट। तो बाबा कहते त्रेता में आ गए तो 22 कैरेट के बन गए, आत्मा 22 कैरेट बन गई। अच्छा फिर द्वापर में आई 18 कैरेट और फिर कलयुग में तमो में देखो बाबा हिसाब बता रहे 9 कैरेट, 24, 22, 18 और 9। सोने की डिग्री होती है ना, ये आत्मा की बात है। जैसे भ्रमरी छी छी कीड़ों को ले आती है और उसको बैठ करके आप समान बनाती है, तो तुम भी भू भू करके मनुष्य को देवता बनाते हो। भ्रमरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बिठाती है, उनमें भी कितनी अकल है, एकांत में बिठाएगी, भू भू करती है। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामा अनुसार पार्ट नूंदा हुआ। तो बाबा इसलिए एक्यूरेट मिसाल देते कि बच्चे तुम भी ऐसे कीड़ों को आप समान बना देते हो, हमारे लिए ये मिसाल बना हुआ है। तुम जानते हो कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू। ये भी तो बाप समझा सकते हैं, झाड़ को जानने वाला तो बीज होता है। बाबा आते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाने, तीनों कालों की नॉलेज भी देते, तीनों लोगों की भी देते, तुमको जीते जी बाबा एडाप्ट करते हैं नया जन्म। जैसे कन्या को क्या करते, जीते जी एडाप्ट करते हैं कि अब तुम हमारी स्त्री हो, शादी हुई, स्त्री बना दिया, कन्या को पत्नी बना दिया। अब प्रजापिता ब्रह्मा की तो स्त्री है नहीं, वो तो ये अडाप्ट करते हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा अडाप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो कि हमारा बाबा है, परमपिता परमात्मा बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, बाबा ने अडाप्ट किया। तो वो है शिव बाबा रूहानी, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में न आए नॉलेज कैसे सुनावे। परमपिता परमात्मा को कहते नॉलेज फुल, कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में रहती है। जिस्मानी नॉलेज भी कौन पढ़ता है, आत्मा ही तो पढ़ेगी ना। परंतु तमो प्रधान होने के कारण आत्मा भी मानी कोई नहीं रहता, बाकी नॉलेज तो है नहीं, आत्मा भी मानी सिर्फ तुम बच्चे बनते हो, क्योंकि हमको ही बाबा ने ज्ञान दिया। सत्युग में तो ये बातें समझाई नहीं जाएगी। इस समय बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो,
क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है, उसको उतारना है, उसका फिक्रात करो। बाप को बुलाते भी इस समय है, क्या कर पति तुमको पावन बनाऊ। आत्मा इम्प्योर तमो प्रधान बनी है, इसलिए बाबा को याद करती है। भक्त कोई भी नहीं जानता कि परमपिता परमात्मा कोई बिंदी है, छोटी सी बिंदी है, कोई को आइडिया नहीं। बिंदी का मंदिर तो बना नहीं सकते ना, शोभा ही नहीं रहेगी। एक तो लिंग बना देते, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय। क्या लिंग इतना तेजोमय है? जैसे अर्जुन के लिए दिखाया, साक्षात्कार किया, बोला सहन नहीं कर सकता हूं। यहां भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था, शुरू शुरू में दादियों को जब बहुत इजीली साक्षात्कार होता था ना, तो बाबा तब की बात बताते, कईयों को बहुत पहली बार ऐसे लाइट वगैरह दिखी तो बच्चे कहते थे बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते। उसका फिर देखो शास्त्रों में गायन है, आंखें न लाल हो जाती थी, वह समझते हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया, शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, उनको दिव्य दृष्टि दाता कहते हैं। बाबा कहते चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता, कई चाहते हमको दिव्य दृष्टि मिले, चाबी बाबा के पास है। यह चीज मुझे भक्ति मार्ग में काम आती है। हाँ, सत्युग में इसकी दरकार नहीं, तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाबा कहते मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर मैं जाके ना परम धाम में बैठ जाता हूँ, रिटायर्ड लाइफ बाबा की, आधा कल्प विश्राम में रहते बाबा, मैं जाके परम धाम में बैठ जाता हूँ। मैं न पूज्य बनता न पुजारी बनता, दोनों चक्कर से पार। अभी तुम बच्चे ना सेंसिबल बने हो ना, सब सेंसिबल, कितना बाबा ने सेंसिबल बना दिया, सब समझ दे दी, चलन से समझा जाता है। अब कैसे हम समझे ये व्यक्ति कितना सेंसिबल है, ये कितना समझदार है, इंटेलिजेंट है। बाबा ने एक बात बताई, अंडरलाइन करो, देखो मैं उसमें कितना पास हूं। चलन से समझा जाता है ये कितना मीठा है, जो रोज बाबा मीठे बच्चे कहते, मीठे बनो, देखो कितना मीठा हूं मैं। इनको धारणा बहुत अच्छी होती है, कितने टॉपिक्स बनाते बाबा, जो टॉपिक सुनाते हैं ना वो नोट करना चाहिए। आज भी बाबा टॉपिक बता रहे, रोज मुरली में बाबा पॉइंट्स देते हैं। आज है ना बाबा यात्रा पर समझाते, अब क्या बता रहे बाबा, यात्रा पर कैसे बोलोगे, भाषण करोगे। यात्रा दो प्रकार की, ये नंबर वन टॉपिक है, मनुष्य सब जिस्मानी यात्रा कराते भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा नहीं है, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। अभी बाबा पॉइंट्स दे रहे हैं वो टॉपिक की। बाप समझाते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान इस यात्रा से बनेंगे, ये नोट करो, किसके लिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। आत्मा पवित्र बनने के बिगर घर नहीं जा सकती है, सब आत्माएं यहां आती रहती हैं, जाता कोई भी नहीं। अब आने का पार्ट होता है, जाने का पार्ट बाबा के साथ। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो, सत्युग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची,
हाँ, सत्युग है कायदे वाली दुनिया, एक बच्चा एक बच्ची, वो भी योग बल से। यहाँ तो लाइन लग जाती है, लड़कियां तीन चार आ गई, क्यों लड़का चाहिए लड़का चाहिए, या लड़की भी किसको चाहिए, लड़के ही होते, एक बच्चा एक बच्ची। अब ख्याल करो, सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और संपूर्ण निर्विकारी, लक्ष्मी नारायण की गद्दी चलती है तो जरूर बच्चा भी तो होगा, गद्दी पे कौन बैठेगा, तो बच्चा तो चाहिए वारिस। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बन सकते, क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? और भारत में तो मिसाल भी है, मोर का, डेल का, बाबा कई बार पपीते के झाड़ का मिसाल देते, तो पॉसिबल तो है ही, तो योग बल से क्यों नहीं हो सकता? ये ड्रामा में नूंद है, पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि अभी बच्चा होने वाला है। मृत्यु के पहले भी साक्षात्कार, बच्चा आने के पहले भी साक्षात्कार, वह खुशी रहती, विकार की तो कोई बात ही नहीं है। तुमसे पूछते बच्चे कैसे पैदा होंगे, चिंता होती लोगों को बच्चे कैसे पैदा होंगे, बोलो पपीते के झाड़, पपीते का जो झाड़ है, मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल देता है, कंपलसरी उनको रखना होता है ऐसा, आमने सामने फल देता है। अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे वो फल नहीं देते, मालूम है ना, सभी को रखना पड़ता है मेल फीमेल का। वंडर है ये मिसाल बचा हुआ है, तो वहां पर क्यों नहीं योग बल से बच्चा पैदा हो सकता है? मोर डेल का भी मिसाल है, आंख में आंसू आते गर्भ बैठ जाता, तो मोर और डेल का मिसाल, उसको तो नेशनल बर्ड कहते हैं, प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता डेल को, तो ये विकार तो नहीं हुआ ना। ये भारत शिवालय था, किसने बनाया शिवालय, शिव बाबा ने। अब रावण वैशाल्य बना देता, ये भी तो किसको पता नहीं, शिव जयंती मनाते हैं, रावण जयंती मनाते कभी नहीं, रावण को जलाते खत्म करते, दुश्मन है, रावण जयंती नहीं, रावण का तो किसको पता नहीं, उनको बनाकर दशहरे के दिन मार देते हैं, उसके मां बाप किधर बताए, मालूम नहीं। तुम बच्चे जानते हो रावण पांच विकारों को कोई फटाकों से तो नहीं जलाना है, योग बल से उस पर विजय पानी, फटाके से थोड़ी जलेगा वो, जो योग बाबा सिखलाता है और कोई वो योग सिखा न सके। कहते योगी भव होली भव, गीता में अक्षर है मन मना भव, मुझे याद करो, इस यात्रा से तुम शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अमर लोक में आ जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते ना तो पवित्र रहते, इतना तो लिहाज कोई रखते हैं आजकल, मालूम नहीं तो लोग पवित्र रहते हैं, काशी में जाने वाले पवित्र रहते, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते, वहां शहरवासी, वहां यहाँ रावण राज्य में है पतितों का व्यवहार पतितों से, और वहां है पावन का व्यवहार पावन से, फिर भी नीचे तो उतरते हैं। बाबा ने समझाया है आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, ये भी ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मण फिर देवता बनते, नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहां से आवे, कोई लड़ाई तो किया नहीं, महाभारत की लड़ाई दिखाते फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ दिखाते नहीं है, कहते पांच पांडव थे
और तुम देखो कितने पांडव हो, तुम रूहानी पंडे हो, जानते हो कि अब सबको वापिस जाना है, बाबा आया है ले जाने के लिए। वो सुप्रीम पंडा, गाइड, लिबरेटर बाबा माया से मुक्त करता है और साथ ले जाता है। साथ में ले जाने वाला गाइड तो जरूर चाहिए, गाइड, लिबरेटर, पंडा, रूहानी सर्जन, ये बातें बुद्धि में याद रहनी चाहिए। वो शास्त्र तो छपे हुए होते, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं, ये ज्ञान बाबा देता है, फिर शास्त्र पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है, बाप से सुन करके धारणा करनी है। नंबर वन, याद की यात्रा, उनसे पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा न सके, यात्रा में ना बच्चे कच्चे हैं, ज्ञान तो फिर भी बुद्धि में बैठ। बाबा कहते बच्चे मुख्य है याद की यात्रा, याद में विघन भी पड़ते हैं, नॉलेज बड़ी सहज है। बाप समझाते ये ड्रामा का चक्र है, चार भाग इक्वल स्वास्थ्य का, लाखों वर्ष आयु होती मनुष्य कितने बढ़ जाते, गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ न हो, ये तो बाबा का काम है। वह सब तो जिस्मानी युक्तियां निकालते हैं और बाबा ने रूहानी युक्ति बता दी। बाबा कहते मैं आता हूं अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना करने, एक मत सतयुग में होगी, यहां थोड़ी हो सकती है, अपने को भाई भाई तो कोई समझते ही नहीं है। बाप बच्चों को बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं, अपने पास टॉपिक्स की ना लिस्ट रखनी चाहिए सेवा करने के लिए, आज ये टॉपिक पर, आज ये टॉपिक पर समझाऊंगा समझाऊंगी, लिस्ट होनी चाहिए, फिर पॉइंट्स होनी चाहिए, एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते तुम बच्चों को ना ज्यादा टां टां नहीं करनी है, सिर्फ कहना है। शिव बाबा कहते सब आत्माओं का बाप मैं परमात्मा हूं, मुझे भगवान कहते, मुख्य बात बताओ। कोई मनुष्य को तो भगवान कह नहीं सकते हैं, रूहानी यात्रा, जिस्मानी यात्रा, ये टॉपिक बहुत अच्छी, सब याद रखो, ये टॉपिक पे हर एक को भाषण करना है। जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में होती है, और ये मृत्यु लोक है और वो है अमर लोक। तुम बच्चे कल्प कल्प बाबा के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो स्वीट चिल्ड्रेन। मुरली की शुरुआत में था रूहानी स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन, फिर बाबा ने बीच में मीठे मीठे बच्चे का, अभी बाबा कहते वापस स्वीट, मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रेन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल मिठी रखनी है, चेक करो मीठे कितने बने, रॉयल चलन। दूसरा, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है, एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रहकर अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहकर अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं होते। पुरानी दुनिया
संबंध संपत्ति पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावे मात्र है उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है ना वो प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाबा की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले बाबा के सच्चे स्नेही, तो पुरुषार्थ करना है अंतर्मुखी रहने का स्लोगन है। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो क्या होगा, परेशान नहीं हो सकते। ओम शांति।